सुनील सिंह यादव, मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं आपके जी। पास। अपने नेता का पता ठिकाना रखा कीजिए। आजकल जनता है नहीं बहुत नहीं गौर हमारे से देखती नेता का है, पता है, बहुत गौर से हमारे देखती है। नेता कि का एक बात, पता है, पूरी पार्टी आज सबका आपको पता है, मायावती जी की आवाज लेकिन के पीछे आप छिपना एक पड़ बात रहा भी नहीं है, कह ये आपके लिए सकती अपनी कितना डिबेट में शर्मनाक है। कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों मौन है। मायावती जी की हम कह आवाज रहे के हैं पीछे पूरे आपको देश की छिपना पड़ नेतियों रहा की है। तरफ से गीता आप जी नेतृत्व कर लीजिए। एक देखिए, बात कह दीजिए जिस तरह कि से ये देश से मामला बढ़ा प्रधानमंत्री है, कहाँ है। ऐसा नहीं है। एक इसके बात पास कह दीजिए कि बलरामपुर देश से था, प्रधानमंत्री कहाँ है। बलरामपुर की सुध पूरे लेने देश की इनमें से कोई नेतियां नहीं जाएगा। एक अंदाज से सेकेंड, आपका आवाज एहसास नीचे कीजिए मारेंगी। इनके। पूरी मिस्टर तरह यादव, से मिस्टर एहसास यादव, मारेंगी। मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं। आपको लग रहा है कि भाषण का मंच मिल गया है। सर, भाषण देने वाले गए थे हाथरस, वहां से लाठी डंडे के बाद वहां से निकले हैं। गंभीरता को समझिए। विपक्ष की भूमिका ऐसी होनी चाहिए। आप सोचिए, निर्भया के घर सब कुछ हुआ था, निर्भया के साथ लोग इंडिया गेट पर जुटे, अलग अलग जगहों पर जुटे, उसके घर के बाहर इस तरह का हुड़दंग कर किया किसी ने। ये क्या असंवेदनशीलता है, ये क्या तमाशा है, ये क्या तरीका है। आप लोग उसके घर के बाहर जाकर ये सब कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी पॉलिटिक्स चमक जाएगी। कोई नहीं पहुंचा मुखिया निर्भया के घर के उन्नाव बाहर, में वहां पर 28 तमाशा तारीख करने के को लिए योगी जी गए एक थे जगह बनाइए। और वहां हर के जगह के, भाषाई एक सेकेंड, अपने विधायक हर की जगह पत्नी के को मान विरोध, कर हर जगह बिठा के करके प्रोटेस्ट सम्मान के दे लिए रहे थे। लोकतंत्र में आप जगह एक है। प्रदेश की मुखिया को विपक्ष क्या अपनी उम्मीद कर जगह, सकते हैं। अपनी जमीन तलाशे, लेकिन पीड़िता के घर के बाहर हुड़दंग मत कीजिए। इसकी गंभीरता को समझिए आप, वरना ये सियासी टूरिज्म कहलाएगा, ये ऐसे हादसे का टूरिज्म ये टूरिज्म कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आपको शब्द करना है और है, इन्हीं का काम है। और हमने हर पल ये ये खबर समाजवादियों बताई का है ना अपने शब्द दर्शकों है ना को। काम है। देखिए, आप ये भी लगातार भाजपा का चीखते रहिए, शब्द मैं है भी और चीखूं, भाजपा इससे का कोई ही फायदा काम होने है। वाला नहीं है। टूरिज्म गीता जी, हर जगह अब परेशानी ये हो गई है कि जिस तरह ब्लेटेंटली अंग्रेजी में एक शब्द है, आपको पता ही होगा, ब्लेटेंटली मतलब बिना परवाह किए आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर लीपापोती करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए आज भी पीड़िता का परिवार डरा हुआ है। उनको लगता है कि उन्हें ही आरोपी बना दिया जाएगा। उनको लगता है कि आज अगर पुलिस और मीडिया के कैमरे हट गए तो फिर सारा का सारा प्रशासन उन्हीं को टारगेट करेगा। इसका मतलब समझ रही हैं आप? देखिए, विश्वास का जो चला जाना विषय कहते हैं उठाया, ऐसे। देखिए बिल्कुल कुछ विषय, देखिए कुछ ऐसे असंवेदनशील जो स्थानीय प्रशासन है उसने कई विषयों पर असंवेदनशीलता दिखाई, डीएम का तो वीडियो आया जिसी मैडम, के कारण है। मैडम जी डीएम का बिल्कुल, तो वीडियो जिसका ही आया, कारण, जी डीएम का बिल्कुल, तो वीडियो यही आया कारण मैडम। है। डीएम अंजना साहब जी समझा आप रहे थे कि ये बिल्कुल कैमरा ठीक वाले कह रही चले हैं। जाएंगे, यही रहना और है। देखिए बिल्कुल आपने सही किया, यही कारण तो है डीएम को कि कौन बचा रहा सीबीआई है, की इंक्वायरी बिठा दी डीएम को गई कौन है। बचा रहा है? मैं देखिए, डीएम को कोई नहीं बचा रहा योगी है। जी आप, बचा रहे हैं, एसआईटी योगी बैठी जी। हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, दोनों की रिपोर्ट आएगी और वो तो सबके सम्मुख आनी है, तो धैर्य थोड़ा रखने की आवश्यकता है। लेकिन साथ में एक बात और बता दूं अंजना जी, कि जो राजनीतिक दल, विपक्षी दल, जिनको अभी आप प्रश्न पूछ रही हैं, और जो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, अपने नैतिक मापदंडों पर बातचीत कर रहे हैं, जब इनकी सरकार 2016 में थी, बुलंदशहर में ऐसा ही जघन्य अपराध हुआ था, तो इन्हीं के बड़े बड़े नेता और मिनिस्टरों ने कहा था ये राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र बताया था, असंवेदनशीलता की आप हद देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने माफी मांगनी पड़ी थी आजम खान को, और साथ ही इनके तो मतलब आप गिनाने लगू तो 15 मिनट 20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। दूसरी बात, एक विषय में और रखना चाहूंगी, आप ये बताएं कि किसी पुलिस कंपाउंड के अंदर अगर एक महिला आत्मदाह कर देती है क्योंकि उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, और पुलिस कमिश्नर कहता है कि जी नहीं हो सकती, मरने के बाद भी उसके, क्यों? क्योंकि ये दोनों का आपस में जो है कंसेंशुअल था, और इसके ऊपर न तो पार्टी के प्रवक्ता न पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका वड्रा, 5000 लोगों को नहीं गई वो, और ये जयपुर में हुआ, किसी छोटी मोटी जगह नहीं हुआ, 2019 में जुलाई में। मतलब आप जरूर प्रश्न उठाइए, लेकिन आप उसका जो राजनीतिकरण कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बड़ा दुखद है।